भाई खेसारी लाल यादव के फैंस खेसारी लाल यादव को भोजपुरी का सबसे बड़ा सुपरस्टार मानते हैं, तो वहीं पवन सिंह के फैंस की भी यही हालत है कि वो पवन सिंह से ऊपर किसी को नहीं देख सकते। वैसे भी पवन सिंह और खेसारी दो ऐसे नाम हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। पवन सिंह अपनी जगह है और खेसारी लाल यादव अपनी जगह, लेकिन कंपेयर करने वालों का क्या, वो तो छोटी से छोटी बात पर कंपेयर कर लेते हैं। तो भाई चलिए आज हम आपको बताते हैं कि भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और पवन सिंह, इन दोनों में सबसे ज़्यादा अमीर कौन है। तो आपको बता दें ये वीडियो शुरुआत करने से पहले ही कि पवन सिंह 2008 में एज अ हीरो अपना करियर की शुरुआत कर चुके थे। उस वक्त खेसारी लाल यादव का तो कोई नामो निशान नहीं था। खेसारी लाल यादव ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 2011 में की। खेसारी और पवन सिंह की पहली फिल्म के डिस्टेंस को देखा जाए तो लगभग 3 साल का डिस्टेंस इन दोनों के कैरियर में है। ऐसे 2007 और 2008 को ही मिला लें तो पवन सिंह भोजपुरी सिनेमा में डेब्यू करते हैं। ठीक उसी के 3 साल बाद खेसारी लाल यादव आते हैं और भोजपुरी दुनिया में कदम रखते हैं। इन दोनों की समानताओं की बात करें तो ये दोनों गायक हैं और दोनों ने पहले ही, यानी कि फिल्मी दुनिया में आने से पहले ही, कई एल्बम लेकर आते हैं और एक नाम बन जाते हैं, तब ये फिल्मों में कदम रखते हैं। साथ ही साथ इससे भी ज़्यादा वो स्टेज शो कर चुके रहते हैं। हाँ ये बात और है, फिल्मों में आने के बाद इन्हें दिन दुना और रात चौगुनी के हिसाब से तरक्की मिलती है। 2008 से लेकर 2011 के बीच पवन सिंह एक इस्टेब्लिश नाम बन चुके थे, यानी लोग उन्हें जानने लगे थे, लोग उनके साथ फिल्में करना चाहते थे और पवन सिंह अब लीड हीरो के रूप में आने लगे थे। यहाँ पवन सिंह से काफ़ी बाद आए खेसारी लाल यादव एज अ लीड हीरो अपनी फिल्म की शुरुआत करते हैं और उनकी पहली फिल्म ही धमाकेदार होती है और रातों रात खेसारी लाल यादव को सभी पहचानने लगते हैं। खेसारी लाल यादव की माने तो उन्होंने 11,000 रुपये से अपने फिल्मी पारी शुरू की थी। ठीक वही हाल पवन सिंह का भी है। जी हाँ, उन्होंने मात्र 21,000 रुपये से अपनी फिल्मी पारी शुरू की थी। कभी किसी के घर में रहकर फिल्में की, यानी कि कभी किसी के घर में रेंट पे रहकर फिल्में की और आज मुंबई में इनके आलीशान घर हैं। और तो और ये महंगी और शानदार गाड़ियों में भी घूमते हैं। हम पवन और खेसारी दोनों की बात कर रहे हैं। यहाँ अब बात कर लेते हैं उनके घर की। तो भाई खेसारी लाल यादव का मीरा रोड में एक आलीशान बंगला है, साथ ही साथ उनके मुंबई के कई इलाकों में फ्लैट्स हैं और उनका 3 BHK घर है मलाड एरिया में। साथ ही साथ अंधेरी जैसे पॉश इलाके में भी पवन सिंह के कई फ्लैट्स हैं और मुंबई के कई इलाकों में उनकी कई प्रॉपर्टीज हैं। बात कर लेते हैं गाड़ियों की, तो फॉर्चुनर कार का शौक़ रखते हैं खेसारी लाल यादव, तो वहीं मर्सिडीज और रोल्स रॉयल का शौक़ रखते हैं पवन सिंह। अब इन दोनों की कीमत बताने की हमें आपको ज़रूरत नहीं है। फॉर्चुनर जहां 35 से 40 लाख की आती है, वहीं मर्सिडीज 80 लाख से 1 करोड़ के बीच में। रॉल्स रॉयल जिसको अभी अपने खेमे में शामिल किया है पवन सिंह ने, तो उसकी कीमत है 4 करोड़ रुपए। आपको वैसे बता दें इतनी महंगी गाड़ी कभी भी किसी भी भोजपुरी स्टार्स के खेमे में नहीं देखी गई जितनी महंगी पवन सिंह के खेमे में गाड़ी है। खैर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फिल्मों में फीस की। जी हाँ, फिल्मों में फीस दोनों एक्ट्रेस समान ही लेते हैं, कभी कोई 19 और कभी कोई 20 हो जाता है। पर फिल्म करने का 50 लाख रुपए इन दोनों की अमाउंट है। कभी अगर इनके कोई करीबी कर रहे हैं तो ये 45 से 40 भी हो जाते हैं। खैर आपको आगे बढ़ते हैं और बताते हैं स्टेज शो के बारे में। तो स्टेज शो के मामले में खेसारी से आगे हैं पवन सिंह। पवन सिंह अपना एक स्टेज शो करने का 8 लाख लेते हैं, वहीं खेसारी 5 से 6 लाख लेते हैं। खेसारी की पूरी प्रॉपर्टी अगर 300 करोड़ की है तो पवन सिंह की 400 करोड़ की। वैसे आपको बता दें कि गोल्ड का शौक जितना खेसारी को है उतना शायद किसी को भी नहीं है। इसीलिए तो खेसारी लाल यादव 15 से 20 चैन एक बार में पहन कर रखते हैं। लेकिन ये बात और है, आजकल इन सबको खेसारी लाल यादव कुछ ज़्यादा ही छुपा रहे हैं।
खैर, चाहे जो भी है, अब आपको हमारे इस रिपोर्ट के बाद समझ आ गया होगा कि भोजपुरी का असली दबंग कौन है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।